में किस तरह से करें ट्रीटमेंट। तो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के पांच रूल हैं, पांचों सिस्टम है। पहला रूल होता है फुट बाथ, क्लींजिंग, पहले पैर की सफाई है ना, क्लीन करना। दूसरा नियम कहता है ट्रीटमेंट पोजीशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द फीट, पैर का हमें एग्जामिन करना है, पोजीशन सही पोस्चर में रखना है, रिलैक्स कंफर्ट जोन में लाना है। तीसरा नियम कहता है रिलैक्सेशन, उस पर रिलैक्सेशन करवाना है। चौथा कहता है जनरल पॉइंट या हार्मोनल पॉइंट को प्रेस करना, जो हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना, कुछ भी अगर शरीर में हो तो हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं कई बार, तो हार्मोन अगर बैलेंस हो तो बीमारियां नहीं आएंगी। हीलर लोग इसी हार्मोन को, इसी ग्लैंड्स को चक्रा कहते हैं। और अगला नियम हमारा स्पेसिफिक रिलैक्स पॉइंट, जो रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट, जहां पे पेन मिला, जहां पे पॉइंट मिला, उसका ट्रीटमेंट। तो आज हम जानते हैं फुट बाथ के बारे में। तो फुट बाथ कैसे करें, आपके पास एक फुट बाथ मशीन होनी चाहिए इस तरह से। तो फुट बाथ हमने मशीन ऑन कर दी है, इसमें पानी डाल देंगे, अब हम इसमें पैर डलाएंगे, कैसे चेक कर लेंगे, अभी गर्म ज्यादा नहीं है, पहले इस तरह से, और ये अपने से पानी गर्म होता रहेगा। इसके अंदर हमें क्या डालना होता है, गिव अ फुट बाथ, अलाउ द फूड टू सोक इन टब ऑफ वार्म टू हॉट वाटर फॉर अप टू 5 मिनट्स। अगर आपके पास नहीं है तो बाल्टी में भी गर्म पानी करके आप पैर उसका रखा सकते। इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ चीजें मिलानी होगी, जैसे कि रॉक सॉल्ट, खड़ा नमक, वो डाल सकते हैं। दूसरी चीज इसमें हम क्या डाल सकते हैं, पोटासियम, फिटकरी डाल सकते हैं। तीसरा हम इसमें क्या और क्या, नींबू डाल सकते हैं, नींबू का रस है ना। चौथा हम इसमें क्या डाल सकते हैं, लेमन सॉल्ट हो गया, पोटासियम हो गया, या कुछ हर्बल पाउडर्स आते हैं मार्केट में फुट को क्लीन करने के, फुट डिटॉक्स पाउच आते हैं, या फुट क्लींजिंग के लिए आयुर्वेदिक पाउडर्स आते हैं, उनको डालना रहता है कि पैर की सूजन है, या किसी को भी पैर में सूजन रहता है तो फिटकरी डाल के अगर ऐसा करे तो बहुत रिलैक्स लगता है, इवन सूजन भी कम हो जाता है, नमक से दर्द भी कम हो जाता है। तो पोटास एलम फिटकरी डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, या नींबू का रस डाल सकते हैं, या डिटॉक्स पाउच डाल सकते हैं, या हर्बल क्लींजिंग फूड पाउडर आते हैं उनको डाल सकते हैं, या अरोमा ऑयल्स आते हैं एसेंशियल, वो दो बूट डालेंगे तो बड़ी अच्छी खुशबू आएगी और उसका भी इफेक्ट पांव में आएगा। तो एक बार हम देखते हैं, इसमें हम ऐड एसेंशियल ऑयल फॉर द फॉर्मिंग जेल टू द वाटर इफ परफॉर्म्ड, यू कैन यूज द एसेंशियल ऑयल, लेमन जूस, सॉल्ट, एलम, स्पा हर्बल पाउडर, रेड मेडिसिन, पोटेशियम परमैंगनेट, पहले के जमाने में कुआं को साफ करने के लिए उसमें लाल दवा डाल, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, रेड मेडिसिन के नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो उसकी एक दो बूंद इसमें डाल देना होता है। पहले के जमाने में पानी को साफ करने के लिए यह यूज किया जाता था, या तो इसमें आप कोई अरोमा डाल सकते हैं, ठीक है, और पेशेंट को बोलेंगे कि हल्का हल्का पैर अब आगे और पीछे करें, हल्का सा आगे और धीरे धीरे आगे पीछे इस तरह से, तो पैर के तलवों की मसाज भी होगी, वहां सारा क्लीन होगा, जो वहां पे डस्ट है, मिट्टी है, फिर ट्रीटमेंट करने में इजी होगा, पैर थोड़े मुलायम, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम ये जब हो जाएगा तो अगर किसी के एड़ियों में, हिल में हटे रहते हैं, वहां के कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ है, एक्स्ट्रा सेल, डेड सेल्स है, तो बाद में हम ये दिया गया है, आप देखेंगे ध्यान से, पत्थर है, तो इसके ऊपर और इसके ऊपर पैर को रगड़ना रहता है ना, तो हील को यहाँ पे, हील रखेंगे यहाँ पे और इसको खोल सकते हैं आप चाहे तो, कोई नहीं, अगर ये दिक्कत दे रहा है तो इसको आगे पीछे यहाँ करो पहले, और फिर इस पे कर सकते हैं, इस पत्थर पे, सब जगह पे करके, तो इससे सारी जगह की गंदगी है, कचरा है, प्रॉपर तरीके से साफ हो जाएगा। इसके बाद फिर जब हो जाएगा, हम टॉवल से पैर को साफ करना, जब पैर टॉवल से साफ हो जाएगा, फिर ए सेकंड रूल के लिए रेडी हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का पहला चरण, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आगे ऐसे ही आप स्टेप टू जान सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का स्टेप वन कैसे फॉलो करें।
तो ट्रीटमेंट करना तो बहुत आसान है, साइंटिफिक अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर आते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से यही देखा कि फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का जो पहला चरण, पहला स्टेप कैसे करें। थैंक यू सो मच।